हर साल की तरह इस साल भी दुर्ग में सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली का उर्स पाक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 26 मई से शुरू होने वाले 3 दिवसीय आयोजन के लिए कमेटी प्रबंधन की बैठक मंगलवार को संपन्न हुई, जिसमें उर्स के आयोजन को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। ज्ञात हो कि विगत 2 वर्षों से कोरोना गाइडलाइन के चलते इस कार्यक्रम को रद्द किया गया था। इस वर्ष भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसे लेकर कमेटी प्रबंधकों ने मीडिया को कुछ इस प्रकार से जानकारी दी। हाँ, हजरत बाबा सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह की यह बारगाह है और यहाँ पर मुसलसल 70 सालों से उर्स पाक मनाया जा रहा है, जो एकता उत्सव के नाम से मनाया जाता है। कल से आगाज़ होगा, कल शाम मगरिब के बाद यानी 6:30-7 बजे माननीय सांसद महोदय विजय बघेल जी तशरीफ ला रहे हैं। उनकी कयादत में एक परचम कुशाई, जिसको हम ध्वजारोहण कहते हैं, उसका कार्यक्रम किया जाएगा और वही हमारा ऐलान है, उर्स होगा कि उर्स का ऐलान किया जाएगा। 25 तारीख को शाही संदल निकलता है, जो कमेटी की जानिब से हमारे खादी में आस्ताना के घर से निकलता है और वो शहर का गश्त करता हुआ मज़ार में उसको पेश किया जाता है और वहाँ पर दुआए खैर की जाती है, क्योंकि सरकार सारे मज़हबों के लिए होते हैं, सूफी संत किसी एक मज़हब की जागीर नहीं होती है और तमाम लोग वहाँ पर आके विनती करते फरियाद करते हैं और इसीलिए कौमी एकता और कौमी यकजहती के मिसाल दुर्ग शहर से पूरे हिंदुस्तान में पैगाम जाता है। मुसलसल उसके बाद 3 दिनों तक जो है 3 रोज़ा कव्वाली का प्रोग्राम है। बड़े बड़े कव्वाल जो हैं हिंदुस्तान के मायनाज कव्वाल आएंगे, लगातार 2-2 कव्वालों का 1-1 दिन में मुकाबला है और आखिरी दिन कुल की फातिहा होगी, जो एक तरह से इसके अख्तिताम का या इसके समापन का ऐलान होता है। इस दौरान हम गुजारिश यही करना चाहते हैं तमाम लोगों से कि भाईचारा बनाए रखें, भगदड़ ना हो शहर में, क्योंकि दुर्ग का त्यौहार है, ये जश्न काबुली सरकार दुर्ग का त्यौहार होता है, एकता उत्सव मनाते हैं। इस उत्सव को हम एक होकर मनाएं। हमारे राजू भाटिया साहब हमारे सदारत कर रहे थे, हमारे संरक्षक हैं, प्रकाश देसरा साहब हमारे उपाध्यक्ष हैं, रोह पुरेशी साहब जो हैं हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, जनाब यूनुस पटेल साहब हमारे सेक्रेटरी हैं, यादव जी हैं हमारे राजू यादव, अनंत यादव जी हैं, यानी हमारी कमेटी में एक से एक हीरे हैं और इन हीरों ने जो इस कमेटी को आज इस मकाम पर पहुंचाया है। एक स्तरीय प्रोग्राम होता है पूरे हिंदुस्तान में, दुर्ग का जो प्रोग्राम है वो अपनी जगह बेमिसाल होता है। तो हम आपसे यही अपील करते हैं कि इस दुर्ग के त्यौहार को भाईचारगी के साथ एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार के साथ मनाएं, नफ़रतों की दीवारों को गिराया जाए और सिर्फ मोहब्बत और प्यार की शम्मा जलाई जाए। खुदा हाफिज़। मैं हाजी मिर्ज़ा इसराइल बेग शाद इस कमेटी का स्टेज मैनेजमेंट और निर्णायक मंडल का चेयरमैन हूँ। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जश्न काबुली अब्दुल रहमान साहब काबुली रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पे जो भी जायरीन यहाँ पे आ रहे हैं या जो लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, उनसे हम एक अपील करना चाहते हैं कि वो दरगाह तामीर का काम चल रहा है जिसमें लोग बढ़ चढ़ के तन मन धन से सहयोग हमें करें ताकि बाबा के आस्थाने के काम को पाए तकमील तक जल्द से जल्द पहुँचाया जा सके और इस शहर को एक खूबसूरत मज़ार शरीफ है उसका एक तोहफा दिया जाए। उर्स पाक की जो ये कमेटी की आज बैठक थी, हमारे अध्यक्ष महोदय प्रकाश देस लहरा जी के निर्देश अनुसार और इस कमेटी के पारिवारिक सदस्यगणों ने मिल के हम लोगों ने जो हमेशा इस करते हैं, जो कोविड के कारण 2 साल से नहीं हो पाया था, आज इस प्रकार बैठक में हम सब ने ये लिया है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा इस को हम लोग कैसे उत्साह के साथ मनाया जाए और इस उस कमेटी में सारे धर्म लोगों का अच्छा सहयोग मिल रहा है और इतने 2 साल के गैप के कारण लोगों को इस उर्स पाक के लिए बहुत ही उम्मीदें थी और सारे लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है। शासन प्रशासन जो भी हैं, लोकल भी हमारे विधायक गंजी वगैरह हैं, सब है उनके तरफ से और इस कमेटी से बाहर से कवाल लोग भी आ रहे हैं, उनके रहने वगैरह का, उस प्रोग्राम को करने का, ये सब की आज की हमारी एक बैठक में हुई है और मैं जनता से और यहाँ के लोगों से ये अपील करूँगा कि इस प्रोग्राम में अधिक से अधिक लोग उपस्थित हों और जो भी अपना तन मन धन से सहयोग हो सकता है वो दे और व्यवस्था बनाने में पूरा सहयोग दे।